भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान भवन में आज हमारे साथ बने हुए हैं भागियों के जिला अध्यक्ष सोनू मालपुरिया जी, और आज इन्होंने जो है वो मीटिंग बुलाई है। किस उद्देश्य को लेकर के मीटिंग बुलाई है, और एक तरह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वैसे तो निमंत्रण था, तो बताएंगे सोनू मालपुरिया जी। तो भाई आपके सभी सदस्यों को भाई नमस्कार, जय जवान जय किसान। आज हमारा मुख्य उद्देश्य था एक हमारे जो गोहाना रोड पे शुगर मिल है पानीपत का, जो 1957 में जब हरियाणा पंजाब एक था जब बना था, वहाँ पे हमारा दीन बंधु छोटू राम कृषक भवन है जो 1967 में बनाया गया था, और उसके थोड़ी सी दूर पे हमारे दीन बंधु छोटू राम जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो अब वो शुगर मिल यहाँ से उठ के नया शुगर मिल बन गया, सब कुछ वहाँ चला गया। इन शुगर मिल वालों ने किसानों के साथ पहली बात तो धोखा किया। धोखा क्या किया, हमारे किसानों के जो शेयर हैं आपको बताऊँ 56,46,72,008 रुपये के हमारे किसानों के शेयर हैं, मतलब इतने रुपये हमारे किसान है कि इस मिल माह में है। और इन्होंने उड्डा से मिल के ये 70 एकड़ है, 68 एकड़ है जितनी भी है, उड्डा से को मिल के इसने उड्डा को बेच दी, और वो पैसे इन्होंने आज्ञा मिल में एडजस्टिंग के लिए कर दिया। लेकिन मेरे किसानों पे विपत्ति वही की वही खड़ी रही। तो मेरी मीटिंग में सभी मेरे जिले के किसान आए, जो हर महीने की 1 तारीख को होती है, अब आने वाली 1 अप्रैल को भी है। तो उस मीटिंग में यही पास हुआ कि भाई हमारे किसानों के पैसे शुगर मिल इतने क्यों खाते हैं। बड़ी मुश्किल से वहाँ से शुरुआत हुई थी, हमारे इकबाल पर से 35 करोड़ रुपये निकल शुरुआत हुई थी, लेकिन वो फिर ठस्से में चली गई है। अब ये हमारे हरियाणा के सरकार तो अपने पैसे ले जाएगी, लेकिन हमारे जो ये 56,46,72,008 रुपये हैं, ये किसानों का हिसाब सरकार नहीं दे रही। तो हमने ये RTI मंगा के मैंने इसको केस को दायर कर दिया पानीपत कोर्ट में। तो इसकी कल तारीख है जी, ये हमारे हरलीन पाल के जज के हैं जो हमारे पानीपत कोर्ट में है। तो 31 तारीख है, अब ये केस इन पे शुरू हो गया है। या तो हमारे किसानों का सारा पैसा पाई पाई जोड़ के दो, नहीं तो मेरे कुछ किसान उनमें मर भी चुके हैं, कुछ किसान उनमें जिंदा है। तो कि सरकार ने किसी किसान की सुध नहीं ली, ये किसानों के खून पसीने की कमाई के जो 600 रुपये के शेयर धारक होते थे, वो 600 रुपये है उस टाइम 1957-58 से लगा लो जब हरियाणा पंजाब एक था। लेकिन किसानों को उसके लिए क्या क्या विपत्ति से नहीं गुजरना पड़ा कि अभी हरियाणा का हरियाणा में हमारे किसानों के पैसे खाएंगे, तो मेरी पानीपत यूनियन के बर्दाश्त नहीं। तो हमने एक केस कर दिया है, और एक जो हमारे जो कृषक भवन है, जो एक हमारी निशानी है किसानों की, छोटू राम कृषक भवन, हम देख के आए थे वहाँ मील में रोड के ऊपर है। उन्होंने क्या किया, सारी वहाँ से टोटियाँ पाइपलाइन और दीवार की ईंटें वो उन्होंने उखाड़ने चालू कर दी है। तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, हमारा जो कृषक भवन छोटू राम कृषक भवन है, वो हमारे मसीहा है, हमारे राम है दीन बंधु छोटू राम जी। अगर आपने उसके जो इतने ऐतिहासिक धरोहर को, हमारे कृषक भवन को, अगर आपने ऐसे व्यवस्था की, तो इसके लिए आपने अर्जाना देना पड़ेगा, और किसान यूनियन इसके लिए लड़ेगी मरेगी कटेगी, चाहे वहाँ हड़ताल करनी पड़ो चाहे वहाँ भूख हड़ताल करनी पड़ो। अब किसान यूनियन अपने दीन बंधु छोटू राम की प्रतिमा को वहाँ से ला के, 1 तारीख की मीटिंग में हमारा जो होगा वहाँ से ला के हमने उसे दीन बंधु छोटू राम कृषक भवन के अंदर स्थापित करवानी है, अपने मान सम्मान के साथ, रीति रिवाज के साथ। तो क्या वो दीन बंधु छोटू राम जी की प्रतिमा वहीं नहीं स्थापित होगी, अब आपका जो है वो है कि भाई वहीं जो भवन है वो बनवाया जाए? हाँ हाँ, तो वहीं नहीं क्या प्रतिमा स्थापित होगी? वहीं जहाँ बनवा नहीं जाए, भवन जो हमारा बना बनाया है 1967 का दिन, हाँ, तो हम वहाँ से 1 एकड़ दूर है, 1.5-2 एकड़, अच्छा। वहाँ से प्रतिमा को वहाँ से मान सम्मान के साथ वहाँ से ला के, और हमने वहाँ स्थापित करना है, वहाँ उस जो हमारा पुराना इतिहास का है 57 का कृषक भवन है, उसमें हमारे जो किसान योद्धा है ना, हम उनकी वहाँ और शहीदों की वहाँ प्रतिमाएँ लगाएंगे। हम उनको एक लोगों को दिखाएंगे कि भाई देखो हमारे दीन बंधु छोटू राम जियो का कब से यहाँ
क्या क्या हमारे लिए किया है वो एक मिसाल के तौर पे है, क्योंकि जब तो हरियाणा पंजाब एक ही था, अब उस टाइम ये देख लो इतनी बड़ी जो मिल लगी थी इसको लोग देखने आते थे और हमारे किसानों को बहुत फायदा हुआ था, लेकिन उनका फायदा जो मिल वो सरकार को हुआ वो किसानों को नहीं हुआ, क्योंकि उनके पैसे ये शेयरों के रूप में आप लोगों के पास 56 करोड़ 40 लाख रुपए है। तो ये यहाँ जो जो चढ़ूनी ग्रुप है, हाँ जी, तो उसके जो जिलाध्यक्ष हैं, हाँ जी, हाँ सुधीर जाखड़ जी, तो उनका जो है ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई यहाँ जो है किसान भवन में जो है वो अवांछित तत्वों ने जो है वो यहाँ कब्जा किया हुआ है और वो जो है यहाँ गलत गतिविधियाँ चलाते हैं। हाँ जी, यहाँ जाखड़ भाई को मैं कहना चाहूँगा, यहाँ रोज़ कई बूढ़े मारे जाए हैं और यहाँ कई तरह के गलत काम होते हैं। ये भाई साहब आप ही आप कह रहे हो, जाखड़ साहब आप एक पार्टी में चले गए हो, जो तेलंगाना के सीएम साहब है ना, आप उस पार्टी में चले गए हो, आप किसानों का जिक्र मत किया करो। अगर आपने किसानों का जिक्र करना है तो आप पार्टी छोड़ कर दोबारा से अपने ज़िले की प्रधानी संभालो। अरे ये जो है अपना भवन है, इस भवन में अच्छा बुरा ही समाज जानता है, ठीक है। मैं अपने मुँह से क्या बताऊँ, अब अच्छा कहूँगा तो थारा तो जम नहीं हुआ है, या तो आप आके पूछो। अरे भाई, या यहाँ के जो समय हमारे बुजुर्ग हैं जो किसान ने जुड़े हुए हैं उनसे पूछो, मैं अपने मुँह से नहीं बता। तब आपने तो कह दिया जरा सी लगे भाई, हाँ भाई यहाँ गलत गतिविधियाँ है, यहाँ कोई दारू भी पी ले ना तो भाई साहब उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना है और दे के जाना पड़ता है यहाँ, इस बात का सभी को पता है। अगर भाई दारू पी ले तो यहाँ 5,000 रुपये जुर्माना लिया जाता है। तो यहाँ के सख्त कानून हैं, हमने बहुत कुछ यहाँ का बदला है और बदलने की कोशिश है, और कुछ हमारे और विचार हैं हमारे किसानों के, वो मैं 1 तारीख को जो पूरे ज़िले को मैं आमंत्रित करूँगा, भाई पूरे ज़िले के किसान 1 तारीख को आओ और कुछ मैंने जो नया मुद्दे हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो हम किसान भवन में लागू करेंगे। जैसे ये प्रज्वलित ज्योत है जी, हमारे टिकैत साहब इसको जड़ा के गए थे, अब ये अखंड है। तो यहाँ जो पहले आपसे पहले जो कुछ युवा प्रधान रहे हैं तो उनकी पार्टियाँ वगैरह चलती थी, और यहाँ जो है काफ़ी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बता देंगे कि कईयों को जो है यहाँ उन्होंने जो है वो उगाई शुरू कर दी थी अवैध रूप से। भाई साहब ऐसे है, यहाँ उन गुंडों से पेंडा छुटा है, पीछा छुटा है इस भवन का, मैंने यहाँ कोई गुंडागर्दी की नहीं है। तो हमारे लिए तो जो समाज में अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो कुछ भाइयों के लिए तो ये भी मतलब कि अपराध है और मतलब कि गलत कार्य हैं, अच्छे कार्य को गलत कार्य बता रहे हैं। अब आप 1 तारीख को देखना, अगर जिला कहेगा हमारे 4 नियम नए कानून लागू करेंगे, ये शुगर मिल का बता दिया आपको, भवन का बता दिया, 1-2 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल है इस 2 वर्ष को बढ़ा के 5 वर्ष की कह रहे हैं, हमारा जो किसान भवन हमारी कमेटी है हमारे किसान हैं, तो मैं कहा भाई देखो मैं तो इसको कानून बना नहीं सकता, ये तो कानून जिला बनाएगा। भाई 1 तारीख को अगर मान लो ज़्यादा संख्या में लोग ये कहते हैं हाँ भाई हम 5 को खुश हैं या 2 का खुश है, तो जो फैसला जनता किसान लेगी वो 1 तारीख को हो जाएगा। तो जैसे पहले मतलब आपने तो कह रहे एक आप ही ना कानून बनाया है कि भाई यहाँ जो है वो राजनीति नहीं चलेगी, हाँ जी हाँ। और राजनीति से जो है इस भवन को दूर रखा जाएगा, तो लेकिन जो पहले कार्यक्रम होते थे उनमें राजनीतिक आते थे, उनमें जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए, उनमें जो है कई नेता आए जिन्होंने जो है यहाँ भवन के लिए काफ़ी कई कई लाख रुपया जो है वो अनुदान के रूप में जो है यहाँ दिया, और ऐसे में जो है इसका विकास भी हुआ भवन का, वो उसमें लगे। और तो ये क्या ये सही फैसला था या गलत फैसला था? देखो जी, ये मैंने भी यहाँ डॉक्टर जयसिंह को निमंत्रण दिया था, मैं यहाँ का भी जो क्यों पहले हमने यहाँ पत्थर देखे हैं यहाँ कईयों के थे, तो उनको दिया था तो बोला भाई वो नहीं आएंगे, तो मैंने कहा भाई ठीक है फिर तो कोई पार्टी वाला नहीं आएगा, तो यहाँ हमने पूरी कमेटी से मिलके हमने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया था कोई राजनीतिक आदमी नहीं आएगा भाई कोई पार्टी का सदस्य। तो अब ये किसान बोले भाई पहले ऐसे आ जाते थे कि मैं 5-7-10 लाख रुपये दे जाते थे यहाँ भवन का बढ़िया विकास हो जाता था, तो मैं कहा भाई देखो मैंने तो कोई कानून बनाए नहीं, जब भी आप लोगों ने बनाए थे अगर मान ले आप लोग, मैंने तो कभी कोई बुलाया नहीं है, अगर आप लोग इसको बदलना चाहते हैं तो 1 तारीख को बदल देंगे। देखो हमने चलना है अपने ज़िले के किसानों के कहे अनुसार,
कोई मारी प्रधानी तो एक नाम की है, लेकिन मैं सबके विचार लेके चलता हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं ऐसा कानून करता। अगर मान ले कोई यहाँ से कुछ भी लाना होगा तो ये 10 बुड्ढे 4 बुड्ढे जाओगे उस चीज़ को ले आओगे जो भी लाने की है। अच्छा, ये एक मुद्दा और उठा हुआ है, एक साल की बजाय जो है वो 5 साल का कार्यकाल जो है वो प्रधान का वो रखने की जो है। देखो, मुद्दा तो हमारे जिले ने उठाया है, अब ये मुद्दे हमसे आगे बताते हैं, ये उठाओ मुद्दा फिर प्रधान होने की वजह से हमने उठाना पड़ता है। तो एक साल का नहीं, 2 साल का है। 2 साल का, हाँ। और हमारे 5 ब्लॉक है, 6, हर ब्लॉक में 2-2 साल का पीरियड था। अब ये बोला भाई 2 साल में तो बंदे को ये पता चलता है कि भाई हमने किसानों के यहाँ क्या क्या नियम, क्या क्या लड़ाई, क्या क्या सिस्टम है। और जब वो आदमी समझ में आता है, इतना 2 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये तो देखो, अगर मान ले वो बोला भाई इसको 5 का करो, मगर भाई मैं तो क्या कर सकता हूँ, आप लोग मीटिंग रखो, पूरा इसका अपना प्रचार करो। मैंने गाड़ियाँ भी भेजी हैं गाँव में, और वैसे फ़ोनों से भी ड्यूटी लगा रखी है, और मीडिया के माध्यम से भी, और एक वीडियो हमने पहले भी बना के डाल दी है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ किसान आए, लेकिन आए किसान, कोई राजनीति पार्टी ना आए। हाँ, अगर मान ले हमारे किसान इकट्ठे होकर कहते हैं भाई राजनीति पार्टी को इसको खोल दो, तो उसको भी खोल देंगे। 2 का 5 कहेंगे, 5 का कर देंगे, 3 कहेंगे 3 कर देंगे, 4 कहेंगे 4 कर देंगे, 1 कहेंगे 1 कर देंगे। मेरा खुद का नहीं, वो बिल्कुल लाइव चलना है, सारी चीज़ बिल्कुल सामने होगी। आप लोगों को अभी निमंत्रण है, उस दिन आप लोग भी आ सकते हो, हमारी बैठक हमारे यही होगी जी भवन में। 1 तारीख को आप 10:30 बजे पहुँच जाओ, तो 11 बजे मीटिंग चालू हो जाएगी, और यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। अपने सारे भाइयों को, और को स्पेशल भी तुम आदेश दोगे वो भी बनवा देंगे। हाँ ठीक है। और बूढ़ा तो पूछ ले भाई की शादी को, मैं अपने मुँह तो क्या बताऊँगा, इन तो पूछ दो भाई। सारी चीज है भाई, आड़े 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 खड़े हो कहा दादा बूढ़ा का न्याय काटे तो आड़े गाड़ी दूंगा। हाँ भाई, सारा सौदा सुधार कर दिया, मैंने कुर्सी पछाड़ना नहीं थी। हाँ सारी काटी थे, गुंडे पड़े थे, सारे छुट्टी गई, मुझे बहुत भरिया खड़ा था गाड़िया को। अच्छा अच्छा, नुको लिखा यू ये कराया नहीं बताऊँ थे कि 2 साल का पहले ले गया थे प्रधान। अच्छा यू गया बोला मैं ले लिया, हम कौन भी भाई मत कराया बताऊँगा। आई बात समय पहले ले जाऊँ थे 2 साल का सही है, जाम कर खेलने वाला बूढ़े कोई कमी नहीं है, और अपना बढ़िया जा रहो, और कोई चीज़ की कमी दिखे और तो होने दिंदा कमी हुए जब बता दो, जो कमी करेगा उन्हें बार काट देगा। अपना प्रधान के बारे में तो बहुत अच्छा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करिया है, किसान भवन में ऐसा काम इसने करा नहीं, ऐसा किसी ने नहीं करा प्रधान ने, 35 करोड़ है। आ, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे है, डर की वजह से, बहुत बढ़िया। हाँ, डर की वजह से कह रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बहुत हमारे लिए तो इतना अच्छा प्रधान ईसा तो कोई आने में नहीं। ठीक है, अपने बेचारा में ठीक चले। हाँ ठीक चले यार, ठीक है जी। मैं न्यूज वो था सुहाइया था, मैं सुट्टा गाल दिए बिजली का सामान लेने गए, बोले ना यू तो उसमें प्रॉब्लम है, हमारे दौर से बंद 5 घाटे 1900 का, वो लिया 3600 का, मतलब वो खाए तो होंगे ये तो न्यू थे यार। ठीक है जी, मैं न्यूज हरियाणा टाइम्स से अनिल वर्मा, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।